कड़वा सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो कृपया ये कार्यक्रम ना देखें। आज देश के प्रधानमंत्री उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत। वो कुदरती होया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ जिस प्रकार की गंभीर चूक आज पंजाब के अंदर हुई है वो अक्षम्य है। वो कुदरती होया है। ये प्रधानमंत्री जी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं है, ये तो राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। वो कुदरती होया है। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस इसमें सक्षम है। एक शब्द सुना आपने, कुदरती। पंजाब के मुख्यमंत्री के लिए आज जो हुआ वो कुदरती हुआ। मोदी की जान खतरे में पड़ गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा हो गया, कुदरती हुआ। ये कुदरती था। चन्नी साहब के लिए जो कुछ हुआ ये कुदरती था। ये कुदरती था कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से इतना बड़ा खिलवाड़ हो गया, और कुदरती चन्नी साहब ने फोन नहीं उठाया, ये भी कुदरती था। ये भी कुदरती था कि प्रदर्शनकारियों को अपने आप प्रधानमंत्री के रूट की जानकारी मिल गई, ये भी कुदरती था। ये भी कुदरती था कि प्रोटोकॉल के बावजूद मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और पंजाब की डीजीपी प्रधानमंत्री के साथ नहीं थे। ये इत्तेफाक, इतना बड़ा संयोग कि डीजीपी, मुख्य सचिव जो कि कॉन्वॉय में होते हैं वो भी साथ नहीं थे आज, ये भी कुदरती था। चन्नी साहब, ये भी कुदरती था कि मुख्य सचिव और पंजाब की डीजीपी अभी तक नहीं बता पाए कि उन्होंने प्रोटोकॉल क्यों तोड़ा। ये भी कुदरती था कि सुरक्षा भंग करने वाले प्रधानमंत्री की गाड़ी के बेहद करीब पहुंच गए। ये भी कुदरती था कि पुलिस 20 मिनट तक प्रदर्शनकारियों को हटा नहीं पाई। ये भी कुदरती था कि प्रदर्शनकारी जिस रूट से प्रधानमंत्री को जाने था वहां पर 10 मिनट पहले से आकर खड़े थे प्रदर्शनकारी, उनको रूट पता था प्रधानमंत्री का। ये भी कुदरती था। ये भी कुदरती था कि पुलिस प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए ग्रीन कॉरिडोर तक नहीं बना पाई। ये भी कुदरती था कि प्रधानमंत्री का रिस्क हाई था और कांग्रेस का जोश हाई था। कांग्रेस के नेता ने पूछा, मोदी जी हाउस दी जोश, ये पूरे घटनाक्रम के बाद। यह भी कुदरती है कि पंजाब सरकार पर जानबूझकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा खतरे में डालने के आरोप लग रहे हैं। और चन्नी साहब, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में खिलवाड़ अगर कुदरती था तो फिर फिरोजपुर के एसएसपी को सस्पेंड क्यों किया गया? यानी कि चूक हुई, कुदरती नहीं था, यह चूक थी। अगर कुदरती होता तो फिरोजपुर के एसएसपी को सस्पेंड क्यों किया गया? और यह भी कुदरती है कि एसएसपी को सस्पेंड करने का आदेश कुछ ही मिनट में वापस भी ले लिया गया। चन्नी साहब, क्या यह भी कुदरती था कि जहां प्रधानमंत्री की कार फंसी हुई थी वो रास्ता आम लोगों के लिए भी बंद नहीं किया गया था? सोचिए कितनी बड़ी सुरक्षा में चूक, कुछ भी हो सकता था। इस देश ने दो दो प्रधानमंत्री खोए हैं, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, बेअंत सिंह मुख्यमंत्री पंजाब के, उनको भी खोया है, दो दो प्रधानमंत्रियों को खोया। और आज एक प्रधानमंत्री को यहां तक कहना पड़ा कि मेरी जान बच गई, मैं जिंदा बच गया। सोचिए देश के प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा कि चन्नी साहब मैं बठिंडा एयरपोर्ट जिंदा पहुंच गया, थैंक यू चन्नी साहब। देश के प्रधानमंत्री को कहना पड़ा मैं जिंदा बच गया। प्रधानमंत्री के काफिले को कुछ लोगों ने जबरदस्ती रोक लिया। और एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो जगह है ना जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये पाकिस्तान से सिर्फ 10 किलो, पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर थी। कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। जब प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा कि मैं जिंदा बच गया तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि आज क्या हालात थे। बहुत करीब तक पहुंच चुके थे प्रदर्शनकारी, कुछ भी हो सकता था। प्रधानमंत्री को यहां तक कहना पड़ा मैं जिंदा बच गया, और यह जगह सिर्फ 10 किलोमीटर दूर पाकिस्तान बॉर्डर से। इतनी सारी चीजें कुदरती, संयोग या सवाल पूछते हैं, प्रयोग, संयोग या प्रयोग। इसलिए आज प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि चन्नी जी को धन्यवाद कहना, मैं जिंदा लौटा। नलिन कोहली भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ हैं, और चरण सिंह सापरा साहब हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। एमएस बिट्टा साहब भी मुझे नजर आ रहे हैं। बिट्टा साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले
नलिन कोहली जी, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है एंड मोमेंट पर सड़क रास्ते जाने का प्लान बना लिया, जाना था चॉपर से बाय एयर, एंड मोमेंट पर प्लान चेंज किया, तो क्या करें भाई? पहली बात अमन जी आपसे कह दें, देश के प्रधानमंत्री कोई भी हो वो कैद नहीं होते हैं कि इधर उधर जाएंगे तो यहां नहीं जा सकते हैं। बहुत ऐसे होती है ये बात, ये नॉर्मल रूटीन होती है कि रूट बदल सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन एक प्रोटोकॉल है। उस प्रोटोकॉल में जिम्मेदारी जो है वहां लोकल स्थानीय पुलिस की। आपने बहुत अहम सवाल उठाए सारे कुदरती विषयों पर और अच्छे सवाल उठाए। ना सीएम थे, ना चीफ सेक्रेटरी, ना डीजीपी एयरपोर्ट पे। डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी की गाड़ियां साथ थी, क्यों नहीं थे वो? क्या उन्हें पता था? आप वीडियो देखिए जो आ चुके हैं, पुलिस कर्मी चाय पी रहे थे प्रोटेस्टर्स के साथ। वो प्रोटेस्टर्स को जानकारी कैसे मिली कि प्रधानमंत्री जी यहां से जा रहे हैं? ये खबर किसने दी? ये सिक्योरिटी लैप्स नहीं है क्या? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज है, कोई कल था, कोई आगे हो सकता है। यह इसका मतलब क्या है कि हमारे संघीय ढांचे में राजनीति इतनी घिनौनी और इतनी इस स्तर की हो जाएगी कि कांग्रेस पार्टी, जिसे जनता अगर हटा रही है हर जगह, तो वो इस स्तर तक गिर जाएगी अपनी राजनीति के लिए कि एक प्रधानमंत्री देश के आ रहे हैं, वहां पर कार्यक्रम में जा रहे हैं, उस कार्यक्रम में के पीछे राजनीति करके उनकी जान तक को खतरे में डाल देंगे क्या? ये बड़ी बात है। और मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं कोविड और क्वारंटाइन में था, मास्क उतार के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मकसद क्या फिर होगा इसके पीछे? कोहली साहब मुझे माफ करिएगा, मैं बीच में नहीं रोकता शुरुआत में, लेकिन आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, राजनीति के चक्कर में कॉन्स्पिरेसी, ये सारी, मकसद क्या? मकसद क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए? एक मतलब बदभावना, और क्या कहेंगे हम? इसमें कोई अच्छी भावना तो दिखती नहीं है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कांग्रेस के अलग अलग नेता, हम सम्मान करते हैं, तो फिर बताइए अभी तक कांग्रेस पार्टी का माफी क्यों नहीं है? अभी तक जो है वहां एक्शन क्यों नहीं गई? एसएसपी पर तो एक्शन आपने शुरू कर दिया है, तो उसका मतलब मानते हैं कि सिक्योरिटी लैप्स है। गृह मंत्रालय को क्यों इसमें कूदना पड़ गया? जानबूझकर किया तो मकसद से क्या? पहले मुझे बताइए ना, राज्य सरकार अपने दायित्व को नहीं समझती क्या? क्या करना चाह रही थी अगर आप कह रहे, अगर इसके पीछे कांग्रेस जैसा कि आप कह रहे हैं, तो क्या करना चाह रहे थे वो लोग? पीएम को नुकसान पहुंचाना, हार्म करना, क्या क्या करना चाह रहे थे? क्या मुझे लगता है, नहीं देखिए, क्या करना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी ही समझाए, लेकिन हम इस प्रश्न को पूछेंगे क्योंकि प्रासंगिक भी है और इस इंसिडेंट को देखते हुए पूछना भी पड़ेगा कि ये इस देश में पहली बार ऐसे हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री को इस प्रकार की सिक्योरिटी लैब्स देखनी पड़ी कांग्रेस शासित प्रदेश में, जब कांग्रेस पार्टी हर छत पर चढ़कर चिल्लाती है, देखिए जो बलिदान हुआ, हमारे जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, इंदिरा जी, गोलियां खानी पड़ी, आतंकवाद के सामने गिरे। आप क्या आतंकवाद समझते नहीं है? आप क्या नहीं समझते सिक्योरिटी लैप्स क्या होती है? पंजाब के अंदर में जो पुलिस आतंकवादियों को खत्म कर सकती थी, उस पुलिस के पास ये बेसिक प्रोटोकॉल अब नहीं रही कि प्रधानमंत्री के रूट में ऐसी चीज नहीं हो सकती है, कभी नहीं होती है। तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना कांग्रेस पार्टी को, किसके इशारे पे ये सब कर रहे हैं? सप्रा जी, सुरक्षा में चूक, सिक्योरिटी लैप्स, ये तो मानना पड़ेगा। देखिए अमन जी, सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कॉन्वॉय जो जा रही थी और जिसको रुकना पड़ा, मेरे ख्याल से ये उचित नहीं था, वो रुकनी नहीं चाहिए थी कॉन्वॉय। और इसके संदर्भ के अंदर मेरे ख्याल से गृह जो वहां का विभाग है, राज्य का, पंजाब सरकार का, वो इस पर इन्वेस्टिगेशन करके और केंद्रीय गृह मंत्रालय को पूरी रिपोर्ट निश्चित रूप से भेजेगा। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस विषय को ऐसे दिखाना चाहती है कि कोई बहुत बड़ी साजिश थी या मात्र इसी कारण से प्रधानमंत्री ने यू टर्न लिया है, ये ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने यू टर्न इसलिए लिया क्योंकि जहां पर रैली थी फिरोजपुर के अंदर, वहां पर 1.5 लाख कुर्सियां बिछी थी और मात्र 3,000 से 4,000 लोग वहां पर उपस्थित थे। तो प्रधानमंत्री अपने आप में शातिर हैं, उन्होंने देखा कि भाई अच्छा कारण है, यहीं से यू टर्न ले लिया जाए ताकि एक काउंटर नैरेटिव तैयार हो जाएगा। अगर वो खाली मैदान में जाकर के भाषण करते तो जो प्रधानमंत्री, देश को मजबूत प्रधानमंत्री अपने आप को दिखाते हैं, जो उन्होंने एक इस तरह का एक विजन बनाया है, वो नजर आ जाता देश को कि ये मजबूत नहीं, मजबूर प्रधानमंत्री है। तो उससे बचने के लिए, अपनी बेइज्जती वहां पर बचाने के लिए यू टर्न लिया गया और एक काउंटर नैरेटिव तैयार हो रहा है
कि ये इस तरह से ये खलल था सिक्योरिटी के अंदर, इसलिए रैली में नहीं जा सके। वास्तु स्थिति ये थी कि बरसात थी, ओरिजिनल कार्यक्रम प्रधानमंत्री का चेंज हुआ, उन्होंने हेलीकॉप्टर से जाना था, सड़क से जाने का निर्णय अचानक लिया गया। खैर, फिर भी जिम्मेवारी बनती है राज्य की पुलिस की, प्रशासन की, कि वो रास्ते साफ रखे। लेकिन सवाल यह है कि आप एक काउंटर नैरेटिव तैयार करना चाहते हो, आपका फेलियर वहां पर ग्राउंड पर था, यानी ये सिक्योरिटी लैप्स तो बहाना है लेकिन असली कारण नहीं दिखाना है, ये सवाल है। असली कारण ये था कि पंजाब के जो किसान है वो पिछले दो दिन से वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, यानी अलग अलग जगह पर पंजाब में प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो प्रधानमंत्री के इस यात्रा का, इस रैली का विरोध कर रहे थे। अच्छा, क्यों विरोध कर रहे थे? ठीक है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उनके साथ पेश आई 378 दिन, उस वजह से, जिस तरह से प्रधान जी, बोलिए बोलिए सापरा जी, आप ये कह रहे हैं कि रैली में खाली स्थान था और रैलियों में कुर्सियां नहीं भरी थी और वहां पर किरकिरी हो जाती, इसलिए रास्ते से मुड़ गए, तो इसी वजह से चन्नी साहब फोन नहीं उठा रहे थे? ये तो इसी वजह से, अब सवाल पूछने दीजिए, इसी वजह से रूट लीक किया गया, इसी वजह से फॉल्स क्लियरेंस दे दी गई, इसी वजह से कांग्रेस पार्टी पूछ रही थी हाउस दी जोश, और इसी वजह से प्रदर्शनकारियों को पहले से रूट का पता था, इसी वजह से प्रदर्शनकारी वहां पर 10 मिनट पहले पहुंच गए थे, ये सब इस वजह से हुआ था, क्योंकि वहां कुर्सियां खाली थी तो रूट लीक कर दिया। कुर्सियां खाली थी तो चन्नी साहब फोन नहीं उठा रहे थे, कुर्सियां खाली थी तो प्रदर्शनकारियों को हटाया नहीं, कुर्सियां खाली थी तो जान को खतरे में डाल दिया, कुर्सियां खाली थी। सापरा जी, अमन जी, रूट लीक हुआ कि नहीं हुआ इसके ऊपर तहकीकात होगी, वहां पर प्रदर्शनकारी 100 थे 200 थे, किस तरह से पहुंचे उसकी तहकीकात होगी, रूट क्यों रुका उसकी तहकीकात होगी, निष्पक्ष तहकीकात होगी, यानी कि मैं आपको कहना चाहूंगा, लेकिन यही कारण नहीं है उस रैली को कैंसिल होने का। आपने भी देखा होगा पंजाब के सभी लोकल चैनलों ने दिखाया कि वहां पर कुर्सियां खाली पड़ी थी, मैं चैनलों के नाम नहीं यहाँ पर लेना चाहता हूँ, खुद मांडविया जब वहां पर इस रैली को खत्म करने का अनाउंसमेंट कर रहे थे, सापरा जी एक बात बताऊं, अभी ये जांच का विषय है, मैं यहां पर डंकी की चोट पर एक चीज बोलूंगा, ये इनकी विफलता वहां पर एक्सपोज हो रही थी, अपनी विफलता को बचाने के लिए ये यू टर्न लिया गया है और मैं एक चीज बोलता हूँ, ये सर यहाँ पर ये जांच का विषय है, ये खाली स्थान का मामला है, कुर्सियां खाली स्थान या खालिस्तान का मामला है, ये अभी जांच का विषय है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इशारा किया है कि पाकिस्तान बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर अगर देश के प्रधानमंत्री को भी सुरक्षा नहीं दे सकती है पंजाब की सरकार, तो इस्तीफा दे देना चाहिए, मतलब पीएम तक सुरक्षित नहीं है पंजाब में सर, तो आम लोगों का क्या होगा? नलिन कोहली जी आप जवाब दे दीजिए, कुर्सियां खाली थी, बहाना नहीं था, इसी वजह से वापस लौट लिए कि किरकिरी ना हो जाए, ये सापरा जी कह रहे हैं, कुर्सियां खाली थी, रैली में लोग नहीं पहुंचे थे, यू टर्न मार लिया, आरोप इन पर लगा दिया। बेटा जी आ रहा हूं, सापरा जी के पास शायद कोई चॉइस ही नहीं है, उन्हें काउंटर एक नैरेटिव बनाना ही पड़ेगा क्योंकि चूक इतनी बड़ी है। अब मैं दो चार सवाल मैं भी पूछ लेता हूं या मैं दो चार चीजें बता देता हूं जो जनता अपने आप देख ले। तो ये प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी एक काउंटर नैरेटिव करने के लिए पुल के ऊपर रह गए क्योंकि आगे जाके प्रोटेस्टर्स के पास जानकारी थी कि प्रधानमंत्री जी इस रूट से आने वाले हैं और प्रधानमंत्री जी ने शायद स्वयं उनको बता दिया होगा और साथ में पंजाब पुलिस को भी बताया होगा कि आप भी चाय पी लीजिए उनके साथ। अरे वीडियो दिखाइए आप अमन जी, लोगों को देखने दीजिए ना, मतलब किस प्रकार की एक बेवकूफी का काउंटर नैरेटिव हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी को भागने की जरूरत है, राहुल गांधी जी नहीं है प्रधानमंत्री जी, मैं बिल्कुल ब्लंटली कह रहा हूँ, जो इटली भागना पड़ता है या कहीं घूमने के लिए जाना पड़ता है उनको, आपको अगर रैलियों से इतना भय है तो प्रधानमंत्री जी को रोकने के लिए और कोई तरीका अपनाइए। एमएस बिट्टा जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जान बच गई, वीडियो आपने भी देखे होंगे, कितना बड़ा खतरा था और क्या हो सकता था जो देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के साथ हुआ, क्या हो सकता था वहां पर जो प्रधानमंत्री को कहना पड़ा जान बच गई जिंदा लौट आया। एमएस बिट्टा, अमन जी मेरे ख्याल ये मुद्दा तू मैं का मुद्दा नहीं, ये सुरक्षा का व्यवस्था का बहुत बड़ा मुद्दा है। एक मिनट आप, एक मिनट रुक रहा हूँ, मेरे साथ वैसे बता दूं मैं ओपी सिंह भी हूं, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी, सर मैं आपके पास भी आऊंगा, मैं आपको इंट्रोड्यूस करना भूल गया था, माफी चाहूंगा, ओपी सिंह है उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी, पहले आप बोल लीजिए बिट्टा जी। देखो आपने नाम लिया इंदिरा गांधी जी का और राजीव गांधी जी का, आपको पता है कि जब इंदिरा गांधी शहीद हुई उसके बाद क्या हुआ, पूरे हिंदुस्तान के अंदर दंगे हुए, सिख समाज के लोगों को किस तरीके से
उसका खमियाजा भुगतना पड़ा चंद लोगों की गलतियों से। अभी तक 84 के दंगों का इंसाफ पूरा नहीं मिल पाया। उसके बाद राजीव गांधी की शहादत हुई और एक महीना पहले 10 जनपद के अंदर, जब मैं कांग्रेस का एक्टिव कार्यकर्ता था तो मैं 10 जनपद के अंदर, आपने एक दोस्त को लुधियाना का था कहा था राजीव गांधी जिंदा नहीं रहेगा क्योंकि तो सुरक्षा का मुझे अनुभव है, 14 बार हमले जेले शरीर के ऊपर मैंने। उसने कहा क्यों, मैं कहा एसपीजी हट चुकी और दिल्ली पुलिस के रिटायर होने वाले मुलाजम बाद में है, वो कमजोर है और एक महीने के बाद राजीव गांधी की शहादत हो जाती। फिर दोस्त फोन करता है आपने बोला था करो, उसके बाद दिखाऊंगा। पर मैं आपको सुरक्षा व्यवस्था की कमियां बताता हूं, इंक्वायरियां नहीं होती कोई, ये इंक्वायरियां तो कहने की बात है कब होंगी, जब अमृतसर के अंदर मेरे ऊपर 45 किलो आरडीएक्स के साथ हमला होता है, रात को कह देता हूं कि सुबह हमला होगा, अखबारों में इश्तिहार आते हैं, चलो मेरी टांग उतर जाती है। 8 महीने के बाद दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट के पास ली मैरिटन होटल के नीचे मेरे ऑफिस में ब्लास्ट होता है, 15 दिन में सुरक्षा मिलती, 15 दिन में वापस होती, मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट होता यूथ कांग्रेस का, अभी तक इंक्वायरी नहीं, 30 लोग शहीद हो जाते, सुरक्षा कर्मचारी शहीद हो जाते। सवाल सबसे बड़ा ना बीजेपी है ना कांग्रेस है, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, दो प्रधानमंत्री खोए, एक चीफ मिनिस्टर खोया बेअंत सिंह, और मैं उसमें 14 हमलों से मैं बच गया उसी काफले में, और पंजाब से लिंक है सारे हमले। जब सिद्धू बॉर्डर पे ये कहा गया इंदिरा गांधी को मार दिया, आने वाला वक्त नरेंद्र मोदी, खुला चैलेंज हुआ, वायरल हुई वीडियो, हाँ इंदिरा ठोक दी मोदी क्या चीज है, आपने मुझे बुलाया उसमें चर्चा हुई, खालिस्तान बनाएंगे, इनकी ऐसी की तैसी खालिस्तानियों की खालिस्तान बनाएंगे, और बॉर्डर बिल्कुल सामने, बठिंडा के सामने बॉर्डर, मैं देखो ऐसा हिंदुस्तान के अंदर कभी नहीं हुआ। आज हमारी बहस कितनी भी चले, आज पाकिस्तान को बता दिया पड़ोसी जो मुल्क है दुश्मन हमारा ये बिल्कुल सामने बैठा है, पाकिस्तान आईएसआई को बता दिया और विदेशों में बैठे हुए आतंकवादियों को हमने बता दिया कि हमारे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अपनी धरती के अंदर सेफ नहीं है, तो बताओ कल को खुदा रखा था। देखो ये तमाशा नहीं है, ये सुरक्षा खेल नहीं है, हल्का सा अगर कोई भी घटना हो जाती, जब पीएम को बचाते बचाते एसपीजे वाले गोली चला देते तो जलियांवाला बाग बन जाता, ठीक है ना, बन जाता, अगर नहीं चलाते तो पीएम का नुकसान हो जाता, अगर नुकसान हो जाता कोई रिमोट दबा देता। जब अमृतसर में मेरे ऊपर ब्लास्ट हुआ तो 2 जगह पे कार बम लगाए गए, रूट बदला, पीएम का भी रूट ऐसे बदला, अगर 2 जगह पे को कार बम लगे होते या तारे खींच के नक्सलाइटों की तरह रिमोट दबा देता, और वीडियो में सुन रहा हूं आपके चैनलों में एक व्यक्ति कह रहा है वो काले रंग की गाड़ी में नरेंद्र मोदी जा रहा है, आप मुझे बताइए इस चीज को क्या खेल समझ लिया। देखो मैं चन्नी साहब क्या कॉन्स्पिरेसी लगती है क्या, ये इतना आसान होता है क्या, मैं बिट्टा साहब आपको इसलिए बुलाया था, मुझे समझाइए, इतना आसान होता है क्या, ये कॉन्स्पिरेसी लगती है क्या, ये तो हो ही नहीं सकता ना, मतलब कैसे हो सकता है ये कि वो रूट नहीं ब्लॉक हो रहा है, रूट नहीं सैनिटाइज हो रहा है, लोग वहां से गुजर रहे हैं, प्रदर्शनकारी पहुंच गए हैं, देश का प्रधानमंत्री है भाई, खिलवाड़, मतलब खेल हो रहा है क्या, सरदार बेन सिंह खोया हमने, सरदार बेन सिंह खोया, इंदिरा गांधी खोई, राजीव गांधी खोया, मैं भी उनके काफले में था, मैं 14 हमलों में बचा, हमने क्या सीखा। चन्नी जी की मैं इज्जत करता हूँ, पर चन्नी जी का यह बयान देना यह कुदरती था, यह बयान ठीक नहीं है, यह बयान ठीक नहीं है। मैं चन्नी जी को कहूंगा चन्नी जी अपने बयानों को वापस लो, कल को कोई घटना होगी आपके फंसते फिरते हो, जिन अधिकारियों ने गलती की है, जिन अधिकारियों की गलती से हुआ है उनको ओपन करो, ये पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, इलेक्शन सामने है, बम ब्लास्ट अमृतसर लुधियाना में हो चुका है, कल को कोई घटना हो गई तो पूरी पार्टी के ऊपर आएगी या नहीं आएगी, नहीं हो सकती थी वहां से कुछ भी हो सकता था, वीडियो इतने खतरनाक है, वो वीडियो इतने खौफनाक है, सब आसपास है, प्रदर्शनकारी है, वहां से वीडियो बन रहा है, कोई भी फिदाइन से लेकर कुछ भी हो सकता था। ओपी सिंह है मेरे साथ, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं, सर आपका स्वागत है देश नहीं झुकने देंगे में। आमतौर पर क्या प्रोटोकॉल होता है सर, क्योंकि कहा जा रहा है ना डीजीपी थे साथ में, ना मुख्य सचिव थे, और ये सिक्योरिटी लैप्स है, ये क्या है, आपको क्या नजर आ रहा है सर पहली नजर में? ओपी सिंह सर देखिए, ये पूर्णतया एक सिक्योरिटी लैप्स है, सिक्योरिटी ब्रीच है, और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक बहुत बड़ा सेंध लगाया गया है।
मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी किसी पॉलिटिक्स का नहीं होता है, वो देश का प्रधानमंत्री होता है और उसकी सुरक्षा को बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए। हमने अपने पुलिस कार्य में कभी आज तक इस बात को नहीं सुना है कि प्राइम मिनिस्टर का कॉन्वॉय या प्राइम मिनिस्टर का काफिला जो है वो कहीं 15 से 20 मिनट तक स्ट्रैंडेड हो जाए, और वो भी स्ट्रैंडेड उस जगह हो जहां से इंटरनेशनल बॉर्डर मात्र 10 या 15 किलोमीटर का हो, और एक फ्लाई ओवर के ऊपर। यदि किसी चौराहे पे इस तरह का अगर कॉन्वॉय स्ट्रैंड होता है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बहुत सारे रोड्स होते हैं, लेकिन एक फ्लाई ओवर के ऊपर जहां पे रोड को सैनिटाइज किया जाना, रोड के एग्जिट और एंट्री को ब्लॉक किया जाना, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम था। ये जो परिवर्तन रूट का बताया जा रहा है, ये रूट का परिवर्तन जो है बहुत बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर इनक्लेमेंट वेदर हो या कोई भी किन्हीं कारणोंवश अगर रूट को चेंज किया गया है तो वो दो तरीके से बहुत अच्छा होता है। पहला तो ये कि एक सरप्राइज रूट होता है जिसमें लोगों को जानकारियां बहुत कम होती हैं, इसलिए वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। सरप्राइज इज द बेस्ट सिक्योरिटी। ये सरप्राइज ही नहीं था प्रोटेस्टर्स के लिए, उन्हें पता था, यानी कि लीक हुआ ना सर, मतलब मैं जो पूछ रहा हूँ exactly, आप समझ पा रहे हैं? एग्जैक्टली exactly. पीएम ने सडन अगर रोड बिल्कुल मैं समझ लिया, प्रोटेस्टर्स को कैसे पता लग गया भाई पीएम यहाँ से गुजरने वाले हैं? किसने खबर दी? जो भी है कुछ, यानी कि exactly. फिशी है। सो दैट मींस दैट मींस कि लैक ऑफ इंटेलिजेंस है यहाँ पे, इंटेलिजेंस का फेल्योर भी है, न केवल लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन का फेल्योर ही नहीं है बल्कि इंटेलिजेंस का भी फेल्योर है। और ये जब स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑन बिहाफ ऑफ डीजीपी अगर ये कंसल्ट करके ये रूट को चेंज किया गया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के कंसल्टेशन से ही हुआ होगा, कोई भी एसपीजी का ऑफिशियल या कोई भी बिना उसके नहीं हो सकता। और एसपीजी जो है वो क्लोजर प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी प्रदान करता है, और स्टेट की ये पूरी जिम्मेवारी रहती है, लोकल स्टेट की पूरी जिम्मेवारी रहती है कि वो सुरक्षा प्रदान करे। तो मैं समझता हूं कि इस सुरक्षा में एक चूक हुई है, और ये इसे कोई भी ये कुछ बहुत कह ले, सिंपल है, लेकिन सुरक्षा में चूक, सिक्योरिटी लैप्स, ये कोई कॉन्स्पिरेसी वाला एंगल आप, क्योंकि बीजेपी, मैं नलिन कोहली मैं आपके पास आऊं, उससे पहले एक बार सापरा जी आपका कमेंट ले लेता हूं क्योंकि बहुत देर से आपके पास नहीं आ पाया। बीजेपी तो कह रही है खूनी साजिश थी भाई, ये खूनी इरादा था आप लोगों का, वो नाकाम हो गया प्रधानमंत्री के खिलाफ, खूनी इरादा नाकाम, खूनी साजिश। स्मृति ईरानी, देखिए अगर बीजेपी इस तरह की बात कह रही है तो मैं भी कहूंगा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब इनके पास में सिंपति लेने के सिवाय कोई कारण नहीं है, क्योंकि इन्होंने देख लिया कि पंजाब के किसानों ने या पंजाब की जनता ने खुला एक वर्डिक्ट दे दिया है वहां पर फिरोजपुर में खाली कुर्सियां दिखा करके कि किसान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये पंजाब के किसान ने बता दिया है कि जिस तरह से आपने हमको मवाली बोला, गुंडा बोला, खालिस्तानी बोला, आतंकी बोला, या आपने पाकिस्तान चीन के एजेंट हमको बोला, यानी आला नेतृत्व ने ये सारी बातें की हैं। और अभी सत्यपाल मलिक जी ने जो दो दिन पहले बात कही थी, उन्होंने प्रधानमंत्री को जब 500 किसानों की मौत की मोदी की जान लेंगे और आप उनको मेरे लिए मरे रेड कार्पेट वेलकम देंगे, सिक्योरिटी नहीं दे सकते आप, सिक्योरिटी नहीं दे सकते प्रधानमंत्री कभी देखे देश के अंदर सर, मतलब पीएम को सिक्योरिटी नहीं दे सकते आप पंजाब में, पीएम को नहीं दे सकते, आम लोग छोड़िए फिर, अमन जी नहीं संभल रहा, अमन जी सापरा जी थोड़ी अमन शांति रखेंगे तो मैं सारी बात कह सकूंगा, आप थोड़ी अमन शांति रखेंगे तो मैं पूरी बात कह सकूंगा, आपके व्यूअर्स को भी समझ में आएगी। हाँ बोलिए ना सुन रहा हूं मैं, बोलिए ना, पीएम को भी सिक्योरिटी नहीं दे सकते आप? देखिए मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये पंजाब के अंदर कोई जो सिक्योरिटी लैप्स की बात हो रही है उसके ऊपर तहकीकात होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं पर सिक्योरिटी थी नहीं, 10,000 पुलिस वाले प्रधानमंत्री जी का जो निर्धारित कार्यक्रम था उस हिसाब से लगे हुए थे, वहां पर कोई कोताही नहीं बरती गई थी। ये किसानों के आंदोलन पिछले दो दिन से चल रहे थे, खुद मुख्यमंत्री चन्नी साहब ने परसों सुबह तक बैठ करके वहां के जो अलग अलग संगठन के नेता हैं उनके साथ बैठ करके इस मामले को रफा दफा किया, उनके जो प्रोटेस्ट है उसको उठाए, और खुद गजेंद्र सिंह शेखावत यूनियन मिनिस्टर उन्होंने कहा कि सारे किसान का आंदोलन जो है वो खत्म हो गया है और सारे किसान जो है वो हमारी रैली में आ रहे हैं। अब रैली में तो किसान आए नहीं। सापरा जी, इनको रूट लीक किसने किया? पीएम का जो एंड मोमेंट पर रूट था वो इनको कैसे पता था? ये लोग पहले कैसे पता थे? चन्नी जी फोन नहीं उठा रहे थे और मुख्य सचिव डीजीपी साथ नहीं थे, ये सब कोइंसिडेंस? इतनी चीजें कोइंसिडेंस, मतलब सोचिए, आप मेरे से बेहतर जानते हैं सापरा जी, आमतौर पर ये प्रोटोकॉल होता है, पीएम आते हैं तो सीएम रिसीव करते हैं, मुख्य सचिव होते हैं, डीजीपी होते हैं, जब ये हुआ ना सीएम साथ में, ना डीजीपी साथ में, ना मुख्य सचिव साथ में, चन्नी साहब फोन नहीं उठा रहे, प्रोटेस्टर्स पहले से वहां पर पहुंच जाते, पीएम का रूट पतला जो ओपी सिंह साहब ने बताया वो रूट उनको लीक हो गया,
ये इतनी चीजें अंदर खाने कौन कर सकता है? किसी के इशारे पर तो हुआ है ना ये तो आप मेरे से बेहतर बता सकते हैं। देखिए क्योंकि ये जो सुनील जाखड़ साहब है आपके नेता है, सुनील जाखड़ आप ही बोलना चाहेंगे, बोलिए। हाँ सर आप ही बोलिए। सुनील जाखड़ है कांग्रेस पार्टी के नेता, वो कह रहे हैं जो हुआ वो पंजाबियत के खिलाफ है, सुरक्षा देनी चाहिए थी आपको, लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता। वो आप वो बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, पंजाब सरकार को सुरक्षा देनी चाहिए थी। आप लोगों की चूक है ये या साजिश है पता नहीं, बोलिए आप सापरा जी, फिर नलिन को ली जाऊंगा। जो 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 सुनील जाखड़ जी कह रहे हैं वो तो मैं भी कह रहा हूं कि तहकीकात होगी इसके अंदर, और जो गृह विभाग है राज्य का वो केंद्र के गृह मंत्री को और गृह विभाग को अपनी रिपोर्ट पेश करेगा, यही तो मैं भी कह रहा हूं। लेकिन आप ये जो अगर मगर की बातें कर रहे हैं ना, ये बहुत ही हाइपोथेटिकल प्रश्न है। ये किस तरह की बातें आप पूछ रहे पता है, कि चाची को मूछें होती तो चाचा कहलाती। अब इस तरह की बातों का उत्तर तो क्या दिया जाए कि अगर ये होता तो ये हो जाता, लीक हुआ होगा नहीं हुआ होगा। अब ये सारी बातें हाइपोथेटिकल है, एक तहकीकात हो जाने दीजिए। पीएम की सुरक्षा की बात आपके लिए चाची की मूंछ और चाचा वाली कहानी हो सकती है, मेरे लिए नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है। पहुंचेगी क्या अमित शाह का डिपार्टमेंट, पीएम की सिक्योरिटी, पीएम की जान से खिलवाड़, प्रधानमंत्री की जान को खतरे में डालना, वो जिंदा बचे हैं, आपके लिए चाची मूंछ चाचा वाली कहानी हो सकती है। सर मेरे लिए नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है, ये मजाक नहीं है जो चाची की मूंछ और चाचा तक आप पहुंच गए। ये रूट कैसे लीक हो गया, वहां पर प्रदर्शनकारी कैसे पहुंच गए, रूट क्यों नहीं सैनिटाइज था, उन लोगों को कैसे रूट पता था, साथ में ना डीजीपी ना मुख्य सचिव कोई भी नहीं था, ये सब इत्तेफाक था, कुदरती था, संयोग था। नलिन कोहली जी खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे कह रहे हैं चरण सिंह सापरा जी, क्या हुआ यही तो एजेंसियां बता रही हैं, जांच होगी पता लगेगा। आप सीधा खूनी साजिश क्यों कह रहे हैं भाई, खूनी साजिश कह दी आप लोगों ने स्मृति ईरानी जी ने। अमन जी मैं अभी देख रहा था, आप ही के सहयोगी हैं मीडिया में अमीश देवगन, कई लोगों ने पीएम का प्रोग्राम जो है और रूट वो कांग्रेस के लोग ट्वीट कर रहे हैं, तो इनके पास आया कैसे? और आप बताइए 10,000 पुलिस कर्मी लगाए गए उनकी सुरक्षा के लिए, और वो पुलिस कर्मी प्रोटेस्टर्स के साथ चाय पी रहे हैं, वीडियोस देखिए भाई, मतलब ये सारे मुहावरे क्या बोल रहे हैं आप, मतलब देश के प्रधानमंत्री से आपको 10,000 लोग चाय पी रहे थे, मैंने किसी टोका नहीं देखे सापरा जी, मैंने पूरी बात, अगर चाय नहीं ऐसा एक मिनट बताइए मुझे, देखिए मैं सीधी बात कह रहा हूँ, ये बदतमीजी है और मुझे कहने में कोई इसमें नहीं है। मैंने आपकी बात पूरी सुनी, लंबे लंबे मुहावरे आप सुना रहे हो, देश को मुहावरे सिखाना चाहते हैं। प्रश्न सिर्फ एक ही है कि क्या प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी से चूक हुई या नहीं हुई, जिम्मेदारी किसकी है, क्या राज्य सरकार की है नहीं, क्या मुख्यमंत्री कहते हैं कि जी मुझे कोरोना है मैं अपने आप को क्वारंटाइन करना चाहते हूँ, मास्क के बिना वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ना मुख्यमंत्री वहां है ना डीजीपी वहां है ना चीफ सेक्रेटरी है उनको मिलने के लिए, ना चीफ सेक्रेटरी ना डीजीपी कारवां में जाते हैं, उनकी गाड़ियां क्यों थी कारवां में, फिर क्या सजाने के लिए? मतलब आप जो है मतलब हर चीज को मजाक समझने लग गए। नहीं नहीं ठीक है, और एक वो घूम घूम कर चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं भाई, वो पीएम को रिसीव करने नहीं जा रहे, कह रहे हैं मैं कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आया। नलिन कोहली जी एक मिनट सर, एक और चीज मैं बता रहा हूँ, ये चन्नी साहब ने कहा कि मैं कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आ गया, इस चक्कर में मैं रिसीव करने नहीं गया, इस चक्कर में मैं साथ में नहीं था, वो चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं, वो इंटरव्यू दे रहे हैं चैनलों को, और पीएम जब पीएम से मिलने जाना तो नहीं गए, पता था क्या होने वाला, इसका मतलब ये प्लान था, कॉन्स्पिरेसी थी, पता था, इसलिए ना सीएम गए ना मुख्य सचिव गए ना डीजीपी गए, कोई नहीं गया वहां पर। मुख्य सचिव की गाड़ी फिर क्यों गई, डीजीपी की गाड़ी क्यों गई, क्या सजाने के लिए प्रधानमंत्री के कारवा को? ये कैसा प्रोटोकॉल है? आप मुझे बताइए कि ये जो है मुहावरे के लिए कांग्रेस पार्टी को अगर बचाव करना है तो अच्छी चीज सोचे। अरे सीधी बात करें, उन्हीं के नेता भी कह रहे हैं कि सिक्योरिटी की चूक है, लेकिन मुहावरे सुनने के लिए थोड़ी ना प्रधानमंत्री के पद के साथ इस प्रकार के मजाक किए जाते, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अरे आप मुहावरे जाकर किसी स्कूल में पढ़ाइए बच्चों को, ये गंभीर मामला है, आपको मजाक लगता होगा। देश के प्रधानमंत्री कोई भी हो सकते हैं, ये एक संवैधानिक पद है, भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, पूरा देश जो है वोट करके किसी एक व्यक्ति को बनाता है देश के प्रधानमंत्री, यहाँ प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। 20 मिनट आप सुनिए ना क्या अभी अफसर कह रहे थे, वो भी एक फ्लाईओवर के ऊपर में, क्या ये प्रोटोकॉल किसी को नहीं पता है क्या? बीएन सिंह जी के आपके मुख्यमंत्री थे पंजाब के राज्य के, वो मारे गए एक टेररिस्ट अटैक में, क्या पंजाब पुलिस को इसकी समझ नहीं है? क्या ये प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि पंजाब पुलिस के पास शायद ये इंफॉर्मेशन थी या कही गई थी कि छोड़ दीजिए, या हो सकता है किसी ने, और ये मेरा भी दावा हो सकता है कि हो सकता है किसी ने कहा एक बार मोदी जी को रास्ते में रोक लेते हैं, बड़ा बड़ी न्यूज बन जाएगी, अब आप समझ रहे हैं कि वो अकल लगाई नहीं गई थी, क्यों ना ऐसा सोचा जाए? प्रोटेस्टर्स कैसे पहुंचे, और आप बोल रहे चाय पीना कोई गुनाह हो गया क्या? चाय क्यों पी रही थी पुलिस कर्मी,
प्रधानमंत्री के रूट की जानकारी कैसे पहुंचे वहां? किसी ने नहीं कहा, चाय पीना गुनाह हो गया। नहीं नहीं, लेकिन एक चीज है सापरा जी, एक बिट्टा जी मैं आपके पास आ रहा हूँ सापरा जी। नहीं नहीं नहीं, मैं आपके साथ हूँ। जब आपने बोला एक मिनट, सापरा जी एक मिनट, सापरा जी आप भी बोल रहे हैं सुरक्षा में चूक गलत, जो हुआ गलत हुआ, ठीक आपने भी बोला, ये बिल्कुल सर को ये कह रहे हैं कि जो हुआ गलत हुआ, तो फिर आपके नेता मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? हाउस दी जोश मोदी जी, हाउस दी जोश। और यहां बैठ के दूसरे बोल रहे हैं खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। आपके नेता, आपके नेता ने श्रीनिवास, ये देखिए स्क्रीन पर चला दिया मैंने, श्रीनिवास बीवी, ये श्रीनिवास जी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है, कह रहे मोदी जी हाउस दी जोश, वो पूछ रहे मजा आया, मतलब मजा आप लोग दिला रहे थे, देखिए स्क्रीन पर है सर, बनावटी नहीं है, श्रीनिवास जी पूछ रहे हैं मोदी जी हाउस दी जोश मजा आया, सापरा जी ये तो गलत है ना। देखिए देखिए, पहली बात तो मैं ये कह दूं कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि वो चाय पी रहे थे पुलिस वाले। हाँ, मैंने ये कहा कि चाय पी रहे थे तो उसकी तहकीकात होगी, उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। तो नलिन कोहली जी आप बहुत जोश में हैं, मैं समझ सकता हूं, इस तरह के जोश में आप गलत सुन रहे और गलत बोल रहे हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। मैं कभी मैं आप अगर मुझे श्रीनिवास जी की बात बताते तो जाकर साहब का भी ट्वीट है आपके सामने, और अगर आप श्रीनिवास जी की ट्वीट की खाली बात करते हैं तो मैं उसका उत्तर भी देता हूँ। दीजिए उत्तर दीजिए, हाउस दी जोश मोदी जी, हाउस दी जोश। हाँ तो क्यों नहीं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे मैंने इसलिए बोला क्योंकि आप एक गलत काउंटर नैरेटिव बनाना चाहते हैं, आप एक गलत नैरेटिव बनाना चाहते हैं कि ये कोई साजिश थी, आप ये गलत नैरेटिव बनाना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है वो कोई बाहर के लोगों के साथ में मिलजुल के ये साजिश कर रही थी, ये गलत नैरेटिव बना रहे हैं। और गलत नैरेटिव के चलते मैंने ये कहा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, मैं ये भी कहूंगा कि नाच ना आए आंगन टेढ़ा, ये भी कहूंगा। आपको जो सच बात है वो कहनी चाहिए, आप क्यों नहीं कहते कि वहां पर 1,00,000 खाली पड़ी थी, बोलिए ना, वो बाल बाल बच गए और उसके सामने मालवीय ने भाषण दिया, कैप्टन देश के प्रधानमंत्री की जिंदगी बच गई और आप नाचना जाने आंगन टेढ़ा किसानी बिल्ली खंबा ऊंचे क्या क्या बोल रहे हैं सर। आपकी विफलता थी, आपकी कमजोरी थी, आपकी कमजोरी को लेकर के आप एक झूठा नैरेटिव बनाना चाहते हैं, इसलिए मैंने कहा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अमन जी प्लीज सारे वीडियोस दिखा दीजिए आज पूरे देश को, ये वाला वीडियो दिखाइए एक बार, वो जो चाय पी रहे हैं वाला वीडियो मैं भी एक बार दिखा देता हूँ, एक मिनट हाँ, वो 20 मिनट के लिए गलत, ये वाला भी, ये जो प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस वाले चाय पी रहे हैं वहां पर, और यही प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री को रोकते हैं तो चाय पीने उनको वहां से हटाया नहीं गया, उनको सैनिटाइज नहीं किया। सापरा जी रोड को सैनिटाइज की जाती है जब प्रधानमंत्री का काफिला गुजरता है सर, जो इसमें देश का प्रधानमंत्री उस सड़क से गुजर रहा है और वहां पर पुलिस वाले बैठकर प्रदर्शनकारियों के साथ चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, ना सड़क को सैनिटाइज किया जा रहा है, प्रदर्शनकारियों को हटाया नहीं जा रहा है, वहां पर भीड़ जमा है, ट्रैफिक नहीं रोका गया। सापरा जी, अमन जी एक बात और, अमन जी अगर आप वीडियो दिखा रहे हैं तो एक वीडियो और दिखाइए, मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से, एक वीडियो और दिखाइए जिसमें भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी है, बहुत बड़ा झंडा, और वो लोग जो है बिल्कुल कॉन्वॉय के नजदीक है, वो कौन है, तो हम इस पे क्या अटकलें लगाएं कि क्या हो रहा था वहां पर। सापरा जी अब बताइए, मैं भी एक काउंटर नैरेटिव तैयार कर सकता हूं, आपने वो बीजेपी के झंडों के साथ कुछ लोग पहुंचे ना, एक मिनट रुकिए मैं इसका जवाब देता हूं, एक मिनट रुकिए, ये बहुत खतरनाक आरोप है, मैं बताता हूं आपको। सापरा जी आपने बोला बीजेपी के झंडों के साथ थे वहां पर लोग मोदी जी के काफिले के साथ, ये बोल रहे हैं ना आप, ये बोला ना आपने, वो भी वीडियो दिखाओ, वो भी वीडियो मैं दिखाता हूं। लेकिन सर जब राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ था ना, वो फूल के बुकों के साथ और पैर छूने वहां पर गए थे, वो मुर्दाबाद कह के नहीं, वो उन्हीं के कार्यकर्ता बनकर गए थे वहां पर, इसलिए सर इसको हल्के में मत लीजिए। जब राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था वो जो महिलाएं थी हाथों में गार्लैंड हाथों में माला और पैर छू के वहां पर ब्लास्ट हुआ था, तो ये लोग अगर मोदी जी के नारे लगा रहे थे और बीजेपी के झंडे थे ना सर, इसका मतलब ये नहीं कि लोग फिदायीन नहीं हो सकते थे, ये कुछ भी हो सकते थे। और जब हाउस दी जोश बोला उस वक्त कोई नहीं, तहकीकात होगी ना, तो तहकीकात के पहले आप अटकलें लगा रहे हैं, इसीलिए तो मैं मुहावरे बोल रहा हूं। मैं बिट्टा जी आपके पास आ रहा हूं, नलिन कोहली आपको मेरे मुहावरों से तकलीफ हो गई भाई, नलिन कोहली मैं आपसे अमन जी कहूं, देखिए देश के सामने जनता के सामने सारा सत्य है, कांग्रेस पार्टी को मुहावरों के पीछे छिपना है, उस राज्य के गृह मंत्री मुख्यमंत्री है चन्नी जी, गृह मंत्री, वीडियो दिखाओ ना बीजेपी का, इसी बात अपना कहना चाहता हूं, और आप नोट कर लीजिए कि सारे जितने प्रवक्ता है जो कांग्रेस पार्टी के कैसे बचाव के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, कहीं शर्म नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का युवा अध्यक्ष राहुल गांधी प्रियंका गांधी सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से बना हुआ व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री के साथ ये खिलवाड़ हो 20 मिनट के लिए, कभी भी भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, उसको कह रहा है हाउस द जोश, हाउस द जोश, वाह हाउस द जोश,
मतलब क्या उससे पूछिए, कोई एक्शन लिया उस पर, कोई शर्म भी आई है किसी को? मतलब ऐसा है कि इस पार्टी से और क्या उम्मीद रखे, मतलब जिस पार्टी का नेता पंजाब की रैली नहीं करना चाहता, विदेश में छुट्टी मनाना चाहे, उस आदमी के अपॉइंटेड आदमी से यही तो उम्मीद रखेंगे? हाउस ऑफ जोश एमएस बिट्टा, आपको भी कुछ कॉन्स्पिरेसी लगते हैं या नॉर्मल लगता है? हो सकता है सिर्फ सिक्योरिटी फेलियर हो, सिर्फ लैप्स हो, बात खत्म, जांच हो जाएगी, बात खत्म, या आपको लगता है कुछ बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी? क्योंकि आज तक हुआ नहीं है शायद ये, अगर मैं गलत नहीं हूं बेटा जी। देखो मामला सुरक्षा का है, ओपी सिंह साहब सामने आपके बैठे हैं, ये सीआरपी के भी एडीजीपी रहे, इनके पास पंजाब रहा, इनके पास जम्मू कश्मीर रहा, ये डीजीपी रहे, ये सीआईएसएफ जिसका हमारे पास कवर है उसके डीजी ने, बड़ा अनुभव है। हम बहस की बजाय हम उस मुद्दे पे आए, हल्की सी कमी रहती है, हल्की सी कमी और तबाही आ जाती है। मैं आज कैनरा में हूं, यहां सीपीएम सीपीआई की सरकार है, दिल्ली से मैसेज आता है जेड प्लस का, मैं कई जगह पे जा रहा हूं, पूरा प्रोटोकॉल है, सरकार कोई है, मैंने कोई लेना देना नहीं। मैंने उनको कहा यहां सुरक्षा कर्मचारियों को, मैं अपना रास्ता बदल के इधर कहते नहीं, जितनी देर तक वहां इंतजाम पूरा नहीं लगेगा आप नहीं जा सकोगे, हमें रोक दिया। मैं पीछे गोवा में गया, प्रियंका गांधी जी आए, मुझे बुलेट प्रूफ गाड़ी अलाउड है, मैंने कहा मुझे गाड़ी दो, मुझे थ्रेट है, कहते नहीं जी प्रियंका गांधी जी आए हैं, उनको हम पहले देंगे, आपको बाद में देंगे, होगी देंगे नहीं तो नहीं देंगे, उनको मिली बॉम्बे से आई, उनको दी, मुझे नहीं दी। कहने का ये मतलब है जहां जहां प्रोटोकॉल अच्छे तरीके से नॉर्म को पूरा किया जाता है, सीआईएसएफ के डीजीपी रहे हैं, पूरा इनके टाइम पे भी मेरे पास सीआईएसएफ थी, पूरा नॉर्म पूरा किया जाता है और पूरा देखा जाता है, रास्ते को अगर बदलना है उसकी तैयारी पहले से होती है। मैंने आपको पहले भी कहा अमृतसर जहां ब्लास्ट हुआ, दो जगह पे कार बम लगाए गए, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, एक महीने से झटपट होटल पे थे। ये तो क्लियर लग रहा है ना, ये सिक्योरिटी लैप्स नहीं है, कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी का मतलब कॉन्स्पिरेसी है तो क्यों है, किस लिए? प्रधानमंत्री के खिलाफ है, बीजेपी कह रही है प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं बिट्टा जी और ओपी सिंह जी आपके साथ शुरू करूंगा, छोटे से ब्रेक के बाद, ब्रेक पर जाना है, कमीशन मजबूत, थोड़ा सा ब्रेक। याद करिए क्या कुछ कहा गया था, इंदिरा ठोक दी मोदी क्या चीज है, हाय हाय मोदी मर जा तू, इस तरह के नारे लगाए गए थे उन्हीं लोगों से। आज बाल बाल बचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं जिंदा बच गया, पंजाब में पीएम तक को सुरक्षा नहीं दे पाई वहां की सरकार, वहां की पुलिस, इसी पर हम बात कर रहे हैं। चरण सिंह सापरा जी हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, ओपी सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और नलिन कोहली मेरे साथ हैं। ओपी सिंह जी, जो सवाल मैंने पहले पूछा था मैं फिर से वही पूछ रहा हूं, क्योंकि मैं समझना चाह रहा हूं प्रोटोकॉल क्या इतना इजी होता है कि टूट जाता है, और इतना आसान होता है कि रोड सैनिटाइज नहीं होती, प्रदर्शनकारी वहां पर आ जाते हैं, लोग वहां पर पहुंच सकते हैं प्रधानमंत्री के, 20 मिनट तक प्रधानमंत्री सड़क पर खड़ा रहता है, ये सब सिर्फ सिक्योरिटी लैप्स या कुछ और? ओपी सिंह सर, देखिए ये नैरेटिव्स और काउंटर नैरेटिव्स जो भी हों, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हमें इस विषय को बहुत गंभीरता से लेना है, और ये स्टेट गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उनके क्षेत्र में, उनके राज्य में प्रधानमंत्री का काफिला रुक गया, वहाँ 20 मिनट तक प्रधानमंत्री स्टैंडर्ड रहे, और ये सिक्योरिटी की एक बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ा ब्रीच है। तो मैं समझता हूँ कि इस पर तुरंत जाँच कराए जाने की आवश्यकता है, दोषी को तुरंत निर्धारित कराया जाना चाहिए और एक डिटेल रिपोर्ट तुरंत शुरू कर देना चाहिए। मैं समझता हूं कि बहुत सारी कमियां इसमें रही होंगी, मैंने पहले भी कहा लैक ऑफ इंटेलिजेंस, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, रूट क्लियरेंस की बात, एंटी डिमॉन्स्ट्रेशन स्क्वाड का होना ना होना, 10,000 पुलिस फोर्स आपने लगा दिया, क्वांटिटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट। और यही मैं हमेशा देखता हूं कि सिक्योरिटी के डिप्लॉयमेंट में कोई भी, जितने भी गैप्स होते हैं, जितने भी डॉट्स होते हैं, उनको भली भांति उसको कवर करने की आवश्यकता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिसका मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि कमियां रही हैं, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री के काफिले को एक फ्लाईओवर के ऊपर, और आप समझ लीजिए कि फ्लाईओवर सर, लेकिन कुछ ज्यादा ही कोइंसिडेंस नहीं है, उसे नीचे से कुछ ज्यादा ही चीजें कोइंसिडेंस नहीं है सर,
बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। आपका इशारा बिल्कुल एक तरफ जा रहा है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन सभी चीजें जो हैं वो जांच के बाद ही कही जा सकती हैं कंक्लूसिवली। बट प्राइमा फेसी ये जरूर है कि सिक्योरिटी की लैक्सिटी है, ठीक है। लेकिन नलिन कोहली जी यही चरण सिंह सापरा जी कह रहे हैं और यही ओपी सिंह, दोनों एक बात कह रहे हैं कि जांच तो होने दीजिए, जांच से पहले आप लोग निष्कर्ष कर पैसे कैसे पहुंच जाते हैं कि खूनी साजिश थी, खूनी इरादा नाकाम हो गया, कांग्रेस इसके पीछे, जांच होने दीजिए। जांच से पहले आप लोग कैसे निष्कर्ष पर पहुंच गए, ओपी सिंह साहब और सापरा जी दोनों एक ही बात कह रहे हैं, जांच तो होने दीजिए। ओपी सिंह साहब, नहीं, मैंने ये नहीं कहा जी, नहीं नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि जांच होने दीजिए, मैंने ये कहा कि सिक्योरिटी लैप्स है, क्लियर कट एक सिक्योरिटी का ब्रीच है इसमें। नहीं नहीं और सर, ये जो है कमियां कई जगहों पर रखी गई जी, सिक्योरिटी लैप्स है, लेकिन इसमें कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड कॉन्स्पिरेसी है वो तो जांच के बाद आएगा ना, ये मैं नलिन कोहली से पूछ रहा हूँ। सिक्योरिटी लैप्स है वो समझ में आ रहा है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी है पीएम के खिलाफ, पीएम को हार्म करने की, खूनी साजिश, खूनी इरादा, ये सब कैसे आ गया, ये कैसे एकदम से? क्योंकि आपने अमन जी कार्यक्रम के शुरू में जो कोइंसिडेंसेस को रेज किया तो वो जो है यहाँ पर इन प्रश्नों को उठाते हैं कि ना सीएम थे, ना डीजीपी, ना चीफ सेक्रेटरी एयरपोर्ट थे। सीएम कहते हैं कि वो गृह मंत्री भी, मुख्यमंत्री के साथ राज्य के गृह मंत्री। सीएम कहते जी मैं कोरोना के चक्कर में नहीं आ पाया, बाद में बिना मास्क के वो आराम से लोगों को इंटरव्यू दे रहे हैं। डीजीपी और मुख्य सचिव दोनों जो है नहीं आते वहां एयरपोर्ट पर, उनकी गाड़ियां जरूर रहती है काफले में। पीएम के रूट प्लान की जानकारी जो बिल्कुल खुफिया रखी जाती है, और ये तो सडन चेंज है, ये तो ऐसा थोड़ी ना था कि इसमें तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है, तो वो प्लान जो है कैसे पहुंच गया, प्रोटेस्टर्स कैसे आ गए रास्ते पे, और पुलिस जो है वहां कोई एक्शन नहीं ले रही है उनके खिलाफ, उल्टा मैं तो कह रहा हूँ चाय पी रहे हैं, वो तो वीडियोज भी है। तो ये प्रश्न क्यों नहीं उठना चाहिए कि पुलिस को शायद इस प्रकार का एक संकेत दिया गया था कि भाई इनको मत रोकिए, ये सड़क पे आते हैं और सड़क अगर बंद करते हैं तो कोई कुछ इसमें एक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है पुलिस वाले, और उसमें डीजीपी खुद नहीं है उस कार्रवाई में, तो डीजीपी इज नेचुरली नॉट देयर। तो ये जो सारे प्रश्न है ये प्रासंगिक हो जाते हैं, ठीक, और इसी एक साजिश की तरफ करते हैं और उसके तुरंत बाद आ जाता है हाउस द जोश, फिर सारे प्रवक्ता जो है पार्टी के एक ही स्वर में मुहावरे सुनाने लगते हैं और भाजपा के ऊपर में राजनीति की बात करते। अरे भाई प्रधानमंत्री जी, मतलब आप इस बात को देखिए, प्रधानमंत्री जी चाह रहे थे कि उनके रोड पे अब लोग आकर प्रदर्शन करें और 20 मिनट के लिए वहां फंस जाए, मतलब कम से कम अक्ल, मतलब ये तो अब मैं एक मुहावरा सुना देता हूँ, अक्ल बड़ी की भैंस। चरण सिंह सापरा जी, इतने सारे कोइंसिडेंस तो भाई इशारा करते हैं ना कि कुछ काला है दाल में, या दाल काली है पता नहीं, इतने सारे कोइंसिडेंस सर, आप भी हैरान हो रहे होंगे सर। देखिए मैं आपके इस सवाल का जरूर उत्तर दूंगा, लेकिन पहले जो नलिन कोहली जी ने जोश पे जो बात उन्होंने कही और उन्होंने कहा कि शर्म आनी चाहिए यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट को, तो उनको ये भी याद रखना चाहिए कि शर्म आनी चाहिए उस प्रधानमंत्री को जिसने एक महिला को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था, शर्म आनी चाहिए उस प्रधानमंत्री को जिसने सोनिया गांधी जी को एक महिला को जर्सी गाय कहा था, शर्म आनी चाहिए उस प्रधानमंत्री को जिसने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को यह कहा था कि रेनकोट पहन करके नहाते हैं, तो शर्म दोनों तरफ है। मैं इस तरह से आपको ये सूचित करना चाहता हूँ। अब आता हूँ मैं अमन जी की बात पर। नाली का कीड़ा, धैर्य धैर्य धैर्य, सुन लीजिए ये सारे शब्द। अरे मैं बोलूं, मैं पूरी बात कर लूं उसके लिए अवार्ड, अरे पूरी बात कर लूं भाई, आप मुझे पता है आप बीच में बोलोगे इसलिए मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मुझे बोलने दीजिए ना। सापरा जी कीड़ा बोलूं मैं अमन जी, नरेंद्र मोदी के लिए अमन जी मैं बोलूं, ये अभी कीड़े सांप ये सब मैं भी बोलना शुरू हो जाऊंगा, ये नेवर एंडिंग स्टोरी रहेगी। वो अमन जी ने जो सवाल पूछा उसका उत्तर तो देने, सापरा जी वही बता रहे, गाली देना अलग है और जान को जान से खिलवाड़, मैं समझता हूँ जान से खेलना अलग है देश के प्रधानमंत्री, गाली देना अलग है देखिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की जान से खेलना अलग है सर, शायद देखिए ना सापरा जी। देखिए नलिन जी बहुत ही सम्मानीय वकील है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उत्तर देते हुए क्या क्या किया सारा ठीकरा अमन जी आपके ऊपर फोड़ दिया कि अमन जी आपने इस तरह का वो चक्रव्यूह सा बात की, उन्होंने इस तरह से आपने बात की है इसलिए हम ये सारी अटकलें लगा रहे हैं, यानी सारा जो बिल है इस डिबेट का वो आपके ऊपर काट दिया गया है कि आपने इस डिबेट को इस नैरेटिव पर ले जाना चाहा इसलिए हम इस नैरेटिव पर बात कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है, मैं तो फिर यही कहता हूं
कि वहां पर तहकीकात होगी, तहकीकात के बाद में सब सामने आएगा। लेकिन ये जरा मैं आपके कैमरामैन से कहूंगा जूम इन करें कि ये जो तस्वीरें हैं इस पर नलिन कोहली क्यों नहीं बोल रहे हैं। पिछले 45 मिनट में ये खाली कुर्सियां जो है ये इस वजह से प्रधानमंत्री ने यू टर्न लिया है, इसके ऊपर कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं बोल रहा है कि ये कुर्सियां खाली क्यों थी। क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये सक्षम नहीं थे कि वो कुर्सियां वहां पर 1.5 लाख कुर्सियां वहां पर भर सके? क्यों वहां पर 3 से 4 हजार आदमी खाली पहुंचे थे, जिस वजह से भारतीय कुर्सियां खाली थी तो प्रधानमंत्री ने अपनी जान को खतरे में डाल दिया, प्रधानमंत्री जी ने बचा लिया है। और जहां तक सुरक्षा की बात करते हैं, अब उस पे भी मैं बोल, चलिए आप बोल लीजिए, पहले मैं बीच में नहीं रोक रहा, आप बोल लीजिए, पूरा कर लीजिए आप। तो देखिए एसपीजी, अभी डीजीपी साहब भी बैठे हैं, एसपीजी के प्रोटोकॉल के तहत जब एक वीवीआईपी चलता है तो निश्चित रूप से अगर वो फ्लाइंग रूट से आते हैं तो उनका रोड रूट का भी एक अल्टरनेट रूट तैयार होता है। लेकिन इस मामले के अंदर शायद उसके ऊपर चर्चा ही नहीं हुई होगी क्योंकि प्रदर्शन ऑलरेडी वहां पर किसानों के पंजाब के अंदर 2-3 दिन से प्रदर्शन चल रहे थे। तो एसपीजी का भी फाइनल प्लान यही होगा कि हेलीकॉप्टर से जाना है, बिना डीजीपी के अप्रूवल के वो अकस्मात बरसात आई है और विजिबिलिटी कम हुई है, इस वजह से एसपीजी को दूसरा अल्टरनेट सोचना पड़ा होगा और उसके लिए मुझे लगता है कि समय कम मिला होगा लोकल पुलिस को। लेकिन ये कोई बचाव का रास्ता नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, समय कम मिलना यानी किसी को मैं बचा नहीं रहा हूँ, मैं फिर भी कह रहा हूँ कि इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और पूरी तहकीकात होकर के आपकी सारी बातें मुझे उसके ऊपर कार्रवाई होनी, सारी बातें आपकी सही हैं, आप जो कह रहे हैं सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, मैं भी आपके साथ हूं। लेकिन ये कहना थोड़ा हास्यास्पद है कि कुर्सियां खाली थी तो प्रधानमंत्री ने अपनी जान को खतरे में डाल लिया, कुर्सियां खाली थी तो प्रधानमंत्री ने वहां पर प्रदर्शनकारियों को बुलवा लिया, कुर्सियां खाली थी तो चन्नी साहब को कहा कि फोन मत उठाइएगा, ले लिया, बचा लिया अपनी इज्जत को, हां, और जान को खतरे में डाल लिया, प्रदर्शनकारियों को बुलवा लिया, चन्नी साहब को कह दिया कि फोन मत उठाना, ये सब कोइंसिडेंस हो गया इतना ज्यादा, ये सब प्रधानमंत्री ने किया, ठीक है नलिन कोहली जी। अगर आप कुर्सियां लगा रहे हैं तो ये भी बताइए ना कि भारतीय जनता पार्टी के जो वहां पर मुझे वाइंड अप करना, नलिन कोहली जी, नलिन कोहली लगा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लगाइए लगाइए सर, नलिन कोहली बिल्कुल 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 अटकलें लगा सकते, मुझे वाइंड अप करना नलिन कोहली जी, 30 सेकंड, बिल्कुल सही, बिल्कुल लगा सकते हैं नलिन कोहली जी, नलिन कोहली जी। कांग्रेस के पूरे बयान जो सापरा जी ने सम्माननीय वो भी है, उन्होंने मतलब मुहावरे से लेके मुझे अच्छा वकील घोषित कर दिया कि आपके कंधे पे डाल दिया, और अंत में सबसे बड़ी मजेदार बात यही गई कि प्रधानमंत्री जी को कुर्सियों से डर लगा तो उन्होंने प्रदर्शनकारियों को वहां खड़ा कर दिया, उन्होंने कहा कि डीजीपी मत आइए साथ से, उन्होंने कहा मुख्य सचिव मत आइए, चन्नी साहब जो है आप चिंता मत करिए, अगला शो। शुक्रिया सर, टाइम का अभाव, 100 बात की एक बात, किशोर अजवाणी के साथ।